सुहासनी बहू, आज लाल माता की पूजा की है मैंने, तो तुझे और दोनों बहुओं को लाल साड़ी पहननी होगी। जी ससुर जी। तनु बेटा, धनु बेटा, तुम दोनों जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लो, हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है? कपड़े धोने, बर्तन मांजने? नहीं नहीं, पूजा करने जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। जी जी सासू मॉम, हम सब संभाल लेंगे, आप आराम से पूजा कीजिएगा। जल्दी आ जाना, ओके? हम कर लेंगे काम, बाय। एजेंट हवा महल, दादा एजेंट हवा महल ने क्या कहा था? हमें हर वक्त उस बच्चे पे निगरानी रखनी है। बच्चा कहाँ? कमरे में। लेट्स गो। धनु जी, इस लाल साड़ी में आप बिल्कुल लाल गुलाब लग रहे हो। बहुत खतरनाक लग रही हो आज। खतरनाक? I mean, बहुत प्यारी लग रही तनु, एकदम गुलाब हो। शौर्य जी, प्लीज ना, अभी नहीं, हमें बहुत काम है। कर, देख रहे हो ना, आपके गुलाबों बिजी है अभी इस वक्त, आप जाओ बाद में। चाहिए ना। छोटे, लगता है इन दोनों का मूड कुछ खराब है ना? भैया मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इनका मूड खराब है। और क्यों ना हो, इस दादाजी की वजह से हमें अपनी अपनी पत्नियों के साथ रोमांस करने का मौका नहीं मिल रहा है, बेदक गई वो। सही कह रहा है यार, इस दादाजी की ना, मैं तो है अपने रूम में और कहां। सुहासनी, मेरा चश्मा देखा क्या? ये लो। नहीं नहीं, चल चल। सुहासनी, कैसे आवाज आई थी? हाँ दादाजी नहीं है। यस, कंटिन्यू करें। लाइट ऑफ कर। ये लाइट कैसे चली गई? सॉरी सॉरी, मुझे लगा तनु है। मुझे लगा धनु जी है। धनु जी, मैं आपका इशारा समझ गया, रोमांस तो आपको भी करना है, लेकिन अकेले अकेले। हूँ से देखिए इस औरत को, जो रोमांस तो करना चाहती है लेकिन पर्दे में छुप के। हाँ, ये जवानी है दीवानी, तुम्हारा घर चौहान आ गया है तनु रानी, आ जाओ गले लग जाओ। अरे नालायक पागल, पूरा नारी रफ्तार कर रहा है यहाँ पे, चल चल निकल बाहर यहाँ से। ओह स्वीट गॉड, इतना अंधेरा क्यों है? हाँ राइट, कम इन एजेंट्स। यस एजेंट माउंट अफेयर्स। हेलो 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 एजेंट्स, कैन यू रीड मी? ओह स्वीट गॉड डैड, आप कुछ बोल के नहीं रहे, आवाज क्यों ब्रेक हो रही है? कम इन एजेंट हिमालय। शौचालय? शौचालय कौन जाना चाहता भाई? शौचालय? शौचालय नहीं, हिमालय, एजेंट हिमालय। ओ हिमालय, सिग्नल ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब घर में कोई ट्रांसमीटर फिटेड है, लेकिन मैंने तो नहीं फिट किया, कुछ तो गड़बड़ है। एजेंट्स ओवर एंड आउट। शाउट
नहीं 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 मैं शाउट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही थी कि ओवर एंड आउट। हाँ, आउट एंड ओवर। ओवर एंड आउट क्या हो रहा है? अगर किसी ने घर में ट्रांसमीटर फिट किया है तो अभी पता चल जाएगा। अरे ये डीजे की छड़ी यहाँ क्या कर रही है, जमीन पे पड़ी। मनोहर कचोरी लाल चौहान। ओह गॉड, उस बच्चे की छड़ी में ट्रांसमीटर है। हेलो मनु, ये चार्ली चैप्लिन की एक्टिंग बंद करो। ओह स्वीट गॉड, इनको कैसे पता चला? वो बच्चे की छड़ी लेकर तुम डेन में आओ। ओके मनु, एक मिनट, देखो बच्चा घर के बाहर जा रहा है, तुम वो छड़ी लिविंग रूम में छोड़ो और बच्चे का पीछा करो। ओके। और घड़ी घड़ी मुझे खबर देते रहना। घड़ी घड़ी की? ओह स्वीट गॉड डैड, मैंने तो घड़ी पहनी ही नहीं हुई। मेरा मतलब है कि पल पल मुझे रिपोर्ट देते रहना। ओके, आउट एंड ओवर। अरे राज जी का फोन। स्पीकर स्पीकर। जी राज जी, लिविंग रूम में उस बच्चे की छड़ी पड़ी है, वो लेकर तुम तुरंत डेन में आओ। छड़ी, बच्चे, ओके, ओवर एंड आउट। एजेंट हिमालय, इस बच्चे की छड़ी में आप इस क्या? बच्चे की छड़ी में किसी ने ट्रांसमिटर फिट किया हुआ है जो कि टूट गया, और इसी की वजह से हमारा सिग्नल ब्रेक हो रहा था। ये देखो। ओके एजेंट, मैंने एजेंट कुतुब मीनार को उस बच्चे के पीछे भेजा है पे नजर रखने के लिए। क्या? अरे क्योंकि उस वक्त बस वही बच्चे के पास थी। डोंट वरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक छोटे से बच्चे की छड़ी में एक ट्रांसमीटर पाया गया है। इसका क्या मतलब है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है एजेंट, और मुझे शक है कि उस मोटू वाले रैम्बो ने ही इस बच्चे को हमारे घर में प्लेस किया है, और ये ट्रांसमीटर उसी को कनेक्ट कर रहा है। इसलिए घर पर रहो, कड़ी निगरानी रखो। डोंट वरी एजेंट हिमालय। वो बच्चा ना अब आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम पे ना आपको एक शिक्षा देती हूँ, आइसक्रीम होती है ना कई फ्लेवर्स में आती है, जैसे चॉकलेट, मैंगो, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी। अब हम आपको एक शिक्षा देंगे। एजेंट हिमालय ने बहुत सोच समझ के तुम्हें वहाँ भेजा है, जो भी करना बिना सोचे समझे मत करना। यस एजेंट कुतुब मीनार। करेक्ट। क्या हुआ? क्या हुआ एजेंट कुतुब मीनार? क्या हुआ एजेंट माउंट एवरेस्ट? आपको बताए, वो बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, मालूम है। वो ना बहुत स्लो स्लो चल रहा है, सो दैट कि मैं उसे फॉलो कर सकूं। ही इज हेल्पिंग मी। एजेंट माउंट एवरेस्ट, वो अपनी लेफ्ट आर्म पे इचिंग कर रहा है। एजेंट माउंट एवरेस्ट, वो बहुत जोर से छींका, वो अपने कान में उंगली डाल के इच कर रहा है। ये हर छोटी सी छोटी बात मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया है, बच्चे का पीछा करो, आप वही करिए। ओ स्वीट गॉड एजेंट माउंट एवरेस्ट, आप ही ने तो कहा था कि घड़ी घड़ी की खबर तू अब दे रही हूँ, तो कह रहे क्यों दे रही है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई,
वो इंस्ट्रक्शन कैंसल्ड। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एजेंट माउंट एवरेस्ट। ओ स्वीट गॉड, ये बच्चा तो रुक गया। ओ स्वीट गॉड, ये बच्चा किसी गुंडे से बातें कर रहा है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता वो गुंडा है? काश आप लोग भी एजेंट कुतुब मीनार की तरह होते। बेवकूफ। नो, इंटेलिजेंट। एजेंट माउंट एवरेस्ट, क्या आपने हिंदी फिल्मों में नहीं देखा कि जो लोग इस तरीके का स्कैरी मास्क पहन के घूमते हैं वो गुंडे होते हैं? दैट्स व्हाई ही इज अ गुंडा। एजेंट कुतुब मीनार, बहुत ध्यान से, वो बच्चा ना अभी ठीक से दिख नहीं रहा। स्वीट गॉड, हाय, नाइस लुक, आई लाइक योर नोज रिंग। मनु, एजेंट कुतुब मीनार। एजेंट कुतुब मीनार, एजेंट कुतुब मीनार। एजेंट्स, हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ वहां पे गलत हुआ है। हाँ देखो, फर्स्टली डोंट पैनिक, ओके? ओह स्वीट गॉड, कितना गंदा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म? मनु, अच्छे ब्रांड का क्लोरोफॉर्म नहीं ला सकते थे? कितनी बदबू आ रही है। ओह स्वीट गॉड, आई फेल। डैड जी, हमारी मनु को बेहोश किया गया है। एजेंट हवा महल, एजेंट लाल किला, क्वारंटाइन में आओ। यस, ओवर एंड आउट। ओके, ओवर एंड आउट। वेरी गुड बिट्टू, वेरी गुड। अच्छा बेवकूफ बनाया दीनानाथ की बेटी को तुमने। बेचारी अपने आप ही किडनैप हो गई। डैड जी, प्लीज कुछ करिए। डैड जी, मनु मुसीबत में है। डोंट वरी, मनु के फोन से हम उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ये क्या, मनु का लोकेशन ट्रेस क्यों हो रहा है? जितना हंसना है हंस लो बच्चू, एक बार मेरे मुंह से ये पट्टी हट जाए फिर देखना मेरी चीख सुन के कैसे रोते हो तुम सब। बच्चा कहाँ है? हाँ? बच्चा कहाँ है? यही कहीं होगा। ढूंढो ढूंढो, बच्चा ढूंढो। राजी, यू नो व्हाट टू डू एजेंट्स? यस। तुम्हारा राज खुल चुका है, हमें पता है कि तुम इस घर में क्यों आए थे। देखो बेटा, बात को समझो, तुमने जो किया है ना वो बहुत बुरा किया है, और तुम शायद खुद भी नहीं जानते कि कितना बुरा किया है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम हमें बता दो कि मनु कहाँ है। मनु मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई हानि पहुंचे, और मैं बहुत प्यार से तुमसे पूछ रहा हूं। और एक्टिंग नहीं, अभी बताओ कि मनु कहाँ है, वरना प्लीज अंकल मारिए मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं उन लोगों की बात नहीं मानता तो वो मेरे मम्मी पापा को मार देते। बेटा रो मत बेटा, लास्ट वीक जब मम्मी पापा और मैं
डिनर करके उठ ही रहे थे तब डिनर हो गया, अब सोने का वक्त है। चल ये कौन है आप लोग? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो बिट्टू, क्या चाहिए आप लोगों को? तेरा बेटा चाहिए मुझे कुछ दिनों के लिए। अच्छी एक्टिंग करता है स्कूल में, ब्रिलियंट। कुछ एक्टिंग हमारे लिए भी करेगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना। मार दें दोनों को। नहीं, मार डालो। नहीं, प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को मत मारो। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। गुड बॉय। उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा मनोहर कचोरी लाल चौहान बनकर, यानी कि आपके पिता बनकर। लेकिन बेटा क्यों? वो लोग मोटू को ढूंढना चाहते। मोटू? मोटू? ये मोटू किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया नहीं है वो एक बुक है, आपके डैडी की बुक। आगे मुझे कुछ भी नहीं पता वो उसे क्यों लेना चाहते हैं, उस बुक में क्या है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी मम्मी पापा के लिए किया। बेटा आप हमारे घर वापस क्यों आए? आपको बताने, आपको रिक्वेस्ट करने के मेरी मम्मी पापा को बचा लो। जब वो लोग मनु जीजू को बेहोश कर रहे थे तब। बस उस बच्चे का क्या करना है? फोटो मिलते ही इस बच्चे को और इसके माँ बाप को वो लोग मेरी मम्मी पापा को और मनु जीजू को मार देंगे और मुझे भी। प्लीज मेरी मम्मी पापा को बचा लो। तुम्हारे मम्मी पापा को हम कुछ नहीं होने देंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम्हें हमारे इस घर के बारे में और खास तौर पे मेरे पापा जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे, कहां से पता चला? आपके घर जो पंडित आया था ना वो उन्हीं लोग का आदमी है। वो तो किसी भी रूप में आ सकती, लेकिन ये निश्चित है कि वो आएगी जरूर अपने श्राद्ध का खाना खाने के लिए। उसे यहाँ आपकी डायरी भेजी थी। डायरी? डायरी? अरे हाँ, मेरे पापा जी के गुजरने के बाद कई सालों तक मैं एक डायरी लिखता था और मेरे पापा जी की हर छोटी बड़ी बात मैंने उस डायरी में लिखी हुई है। ये लीजिए आपकी डायरी। अरे हाँ, मेरी डायरी। इस मोटू को ढूंढ लो वरना वो मेरे मम्मी पापा और पीएम को मार देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.